18 रेजोल्यूशन सर पास नहीं हो सकता अगर 3 मेंबर रेजोल्यूशन लाते हैं उसकी वैलिडिटी नहीं है, वो पास ही नहीं होगा 3 मेंबर का रेजोल्यूशन। पहली बात, ऑलरेडी इस पे रेजोल्यूशन पास हो गया, स्पेशल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, स्टेटूट, ये कल रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से 62 मेंबर्स ने पास किया हुआ है, तो दोबारा वही लाने की बात ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी रक्स क्रिएट कर रही है, बीजेपी डिसरप्शनिस्ट फोर्स बन रही है असेंबली में, उनको बेसिकली हारने का फ्रस्ट्रेशन है, वो इलेक्शन हारे हैं, वो निकले से सरकार बनाने के लिए, बैठे अपोजिशन में है, 28 मेंबर है, यहाँ से 62 मेंबर है, जब सारे हमें सपोर्ट करते हैं हमारे रेजोल्यूशन को, तो उसके बाद हम समझते हैं अब मौका है। पॉलिटिकल जो रेजोल्यूशन था वो कल आ गया, लोगों की एस्पिरेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वो कल आ गए, अब सोशल इश्यूज़ है, बिजली, पानी, सड़क, जिसके लिए असेंबली बनी भी है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी है, यहाँ ओपन मेरिट का कत्ल हो रहा है, ओपन मेरिट के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उस पर बात करनी है हमको, उस पर हमें हाउस में बात डिबेट करना चाहिए। तो मुझे लगता है बीजेपी को समझना चाहिए कि अब ये ड्रामेबाजी बहुत हो गई, राइट, इज़ द राइट टाइम वी एड्रेस जेन्युइन इश्यूज ऑफ पब्लिक, दैट मीन्स बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और खास तौर पे रिजर्वेशन का मसला। देखिए, मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि इनका आपस में पहले क्या रहा है, जो हमें आज मांगना पड़ रहा है, हमें जो रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, ये क्यों करने पड़ रहे हैं, अगर ये 2014 में ये तबाही नहीं हो गई होती तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज हम कुछ और बात कर रहे होते, तो इनका आपस में पहले से ही नाता रहा है, आज भी है, इस पर मत जाइए आप। हकीकत यह है कि हमने कल रेजोल्यूशन पास किया है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जिसकी सिग्निफिकेंस है, मेजॉरिटी से पास किया हुआ, आगे हम चाहते हैं काम हो लोगों का, जिसके लिए लोगों ने हमें भेजा हुआ। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, प्लीज़।